हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितना सुंदर लग रहा है रेड वाला। ये देसी वाला हिबिस्कस भी खिला है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप प्लांट को सीड से या कटिंग से ग्रो करना नहीं चाहते हैं और कटिंग जो है आपकी लग नहीं पाती है, सक्सेस नहीं हो पाती है, फेल हो जाती है, तो बहुत ही अच्छा उपाय है और वो भी बिल्कुल फ्री का। तो आप कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिसको सेपरेट करके आप अगर पॉट्स में लगा देंगे तो फटाफट से इंस्टेंट आपका एक छोटा सा बना बनाया मिनी गार्डन आपको रेडी मिलेगा। फ्रेंड फटाफट से अपना एक छोटा सा गार्डन रेडी करना चाहते हैं तो आपको इसमें टाइम भी नहीं लगेगा, ना ही आपको कटिंग लगाने का झंझट रहेगा कि कटिंग हमारी ग्रो होगी कि नहीं, सक्सेस होगी कि नहीं। तो अगर आपसे कटिंग ग्रो नहीं भी होती है तो भी आप बहुत ही जल्दी अपना एक छोटा सा गार्डन जो है वो रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बने बनाए रहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस उन्हें लगा देना है। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है ये एलोवेरा। आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे प्लांट जो हैं इसके निकले हुए फ्रेंड, और मात्र एक ही दो प्लांट ही हमने इसके लगाए थे और अपने आप से इसमें ढेर सारे प्लांट जो हैं वो बन गए हैं। तो इसमें आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, ना कटिंग लगानी पड़ेगी, किसी भी चीज़ का आपको झंझट नहीं करना पड़ेगा। इसके एक प्लांट से आप ढेर सारे प्लांट जो है बना सकते हैं। तो एलोवेरा के प्लांट में ढेर सारे बेबी प्लांट जो है वो निकले रहते हैं फ्रेंड, तो इस तरह से उसमें से एक प्लांट को आप निकाल लीजिए और आप उसे किसी भी पॉट में लगा दीजिए। इस तरह से आपको इंस्टेंट बना बनाया प्लांट जो है वो मिल जाएगा, तो आपको कटिंग भी लगाने की झंझट नहीं रहेगी। दूसरे नंबर पे आता है स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट के पॉट में ढेर सारे प्लांट जो है वो निकले रहते हैं। अगर इसके एक प्लांट को आपने लगा दिया है तो बहुत ही जल्दी इसका जो पूरा पॉट है वो ढेर सारे प्लांट से भर जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें से प्लांट्स को निकाल कर सेपरेट करके अलग लगा सकते हैं, तो बने बनाए आपको रूट के साथ भी प्लांट जो है वो मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये भी स्नेक प्लांट का एक छोटा सा पॉट है, इसमें मैंने एक ही स्नेक प्लांट लगाया था और उससे ढेर सारे स्नेक प्लांट जो है अपने आप इसमें निकल गए हैं। और देख सकते हैं ये पेंट का डब्बा ही, इसमें पूरा प्लांट जो है वो भर गया है। तो इसमें से अगर आप एक प्लांट को अलग से निकाल कर सेपरेट करेंगे तो बहुत ही जल्दी वो पॉट भी आपका रेडी हो जाएगा। इस तरह से आपको स्नेक प्लांट का पॉट जो है वो फ्री में मिल जाएगा, तो इसकी कटिंग भी लगाने का झंझट नहीं है, बहुत ही आराम से इसे सेपरेट करके अलग से एक प्लांट लगा देंगे। ये है सिंगोनियम का प्लांट, इसे एरो हेड का प्लांट भी कहते हैं। ये अपने पत्तों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, बहुत ही सुंदर इसके पत्ते लगते हैं। आप देख सकते हैं कितने सुंदर इसका कलर वेरिएशन है। और ये जो प्लांट है, अगर एक प्लांट अगर आप इसे लगा देंगे तो बहुत जल्दी इसमें देख सकते कितनी सारी रूट जो है वो निकली हुई है। तो आप इसे अगर कट करके लगा देंगे तो आपका जो प्लांट है वो रेडी हो जाएगा, इसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देख सकते हैं फिर यहाँ से इसमें ढेर सारी रूट जो है निकली हुई है। तो आपके सिंगोनियम के प्लांट से सेपरेट कर करके मैंने ढेर सारे सिंगोनियम के पॉट जो है वो रेडी कर लिए हैं। इसके जड़ के पास से इस तरह से ढेर सारे प्लांट जो है वो निकले हैं, ब्रांच निकलती रहती है। तो अगर एक ब्रांच को भी आप अलग करके लगा लेंगे तो सेपरेट करके लगा लेंगे तो सिंगोनियम का एक ब्यूटीफुल सा पॉट आपका फ्री में रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने बहुत जगह पर सिंगोनियम के इस तरह से प्लांट लगा के रखे हैं। ये बोतल में लगा हुआ सिंगोनियम का प्लांट है। ये है स्पाइडर प्लांट। तो स्पाइडर प्लांट तो बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। अगर एक प्लांट भी अगर इसके आपके पास आपको कहीं से मिल जाएंगे तो पूरा गार्डन जो है आपका स्पाइडर प्लांट से भर जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं आप जगह जगह पे मैंने स्पाइडर प्लांट को लगा के रखा है। सारे हैंगिंग प्लांटर्स स्पाइडर प्लांट के बना के रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से पॉट्स में, हैंगिंग प्लांटर्स में, किसी भी चीज़ में आप इसे लगा सकते हैं। और इसे लगाना बहुत ही आसान है फ्रेंड, क्योंकि ये आपको बने बनाए इंस्टेंट मिल जाएंगे, आपको कुछ भी करने का झंझट नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें से इतने ढेर सारे रनर्स जो हैं बेबी प्लांट इसके निकलते रहते हैं। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, इसे अलग करके और किसी पॉट में लगा देना है तो बना बनाए आपका प्लांट जो है फ्री में मिल जाएगा। ये देखिए, ये है एरो रूट का प्लांट। इसके लीव की खूबसूरती देखिए कितना सुंदर इसका कलर है। आधा में इस तरह से वाइट क्रीम कलर के हैं, हल्का लाइट येलो कलर है और ये ग्रीन कलर है। कितना सुंदर इसका जो शेड है वो लग रहा है। और बहुत ही अच्छे प्लांट है, क्योंकि मैंने इसका एक ही प्लांट लगाया था फ्रेंड, और आप देख सकते हैं कि कितना भूसी हो गया है, क्योंकि इसके रूट नीचे से, उसके प्लांटर के नीचे से ढेर सारे बेबी प्लांट जो है अपने आप से निकलते रहते हैं। तो अगर एक प्लांट को भी आप सेपरेट करके लगा देंगे तो फ्री में आपका प्लांट जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इसकी कटिंग भी लगाने का झंझट नहीं है, आराम से आप इसे सेपरेट करके ढेर सारे पॉट जो है वो फ्री में बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसके पत्ते कितने खूबसूरत लगते हैं। ये है एलिफेंट ईयर का प्लांट। तो इसे भी लगाने का आपको झंझट नहीं है, कटिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसके प्लांट को लगाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इस प्लांट के इस तरह से नीचे से कितने सारे बेबी प्लांट जो हैं वो निकलते रहते हैं। आप देख सकते हैं मेरे एक ही प्लांट में कितने सारे बेबी प्लांट जो हैं वो निकल गए हैं। तो अगर एक प्लांट को आप सेपरेट करके लगा देंगे तो आपका फ्री में इस प्लांट का पॉट जो है वो रेडी हो जाएगा फ्रेंड। है डिफेंड वेकिया,
यानी कि डंप केन। तो डिफिनवेकिया का जो प्लांट है ये भी बहुत ही अच्छा है, इसके ढेर सारे बेबी प्लांट जो है इसके नीचे से निकलते रहते हैं फ्रेंड्स। उसे आप सेपरेट करके चाहे तो देख सकते हैं, ढेर सारे बेबी प्लांट जिसके निकलते रहते हैं। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसके बेबी प्लांट है जो कि इतना बड़ा हो गया है। तो इस तरह से आप उसे सेपरेट करके लगा देंगे तो फ्री में आपका जो है डंप केन का एक प्लांट जो है रेडी मिल जाएगा आपको। प्लांट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर इसके पत्ते लगते हैं, तो इसके नीचे से ढेर सारे पप्स जो हैं बेबी प्लांट वो निकलते रहते हैं। तो उसे ही सेपरेट करके आप लगा देंगे तो फ्री में आपका ये जो खूबसूरत प्लांट है इसका प्लांटर रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसके नीचे से इस तरह से ढेर सारे प्लांट जो है निकलते रहते हैं। तो जब ये बड़े हो जाते हैं थोड़ा सा प्लांट बन जाते हैं तो ये भी ये जो प्लांट है इसे भी मैंने सेपरेट करके ही लगाया है। आप देख सकते हैं इसमें दो प्लांट है, तो दो प्लांट को मैंने बेबी प्लांट से सेपरेट करके ही लगाया है फ्रेंड्स। और ये है कैलेथिया का प्लांट, देख सकते हैं इसके पत्ते कितने खूबसूरत लगते हैं। मेरा ये जो प्लांट है बारिश में रह गया था फ्रेंड, तो इसके पत्ते थोड़ा येलो येलो हो गए हैं। तो इस प्लांट को बारिश के पानी से बचा के रखना होता है। और इस प्लांट के एक ही प्लांट मैंने इसमें लगाया था फ्रेंड। और आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे बेबी प्लांट इसके निकल गए हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है। अगर ये प्लांट आपको कहीं से मिलता है तो उसके नीचे से एक प्लांट को आप सेपरेट कर लीजिए और पॉट में लगा दीजिए। बहुत ही जल्दी ये प्लांट जो है पूरा पॉट आपका कवर कर लेगा। इनकी भी कटिंग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस सेपरेट करके ही आप इसे फ्री में दूसरा प्लांट बना सकते हैं फ्रेंड। ये है रियो का प्लांट, तो बहुत ही अच्छा ये जो प्लांट होता है बहुत ही अच्छा होता है। इसके पत्ते ही बहुत खूबसूरत लगते हैं, देख सकते हैं ये पर्पल और ग्रीन का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही सुंदर है। तो इसका एक ही प्लांट मैंने लगाया था फ्रेंड, ये प्लांट मेरे पास नहीं था, मैंने इसके एक प्लांट को मांग कर कहीं से लाया था और इस पॉट में लगा दिया था फ्रेंड। और बहुत ही जल्दी आप देख सकते हैं इसके हजारों प्लांट मेरे पास बन गए हैं। इससे आप ढेर सारे प्लांटर फ्री में रेडी कर सकते हैं, आपको इसकी कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें से ढेर सारे प्लांट अपने आप से नीचे से बनते रहते हैं। तो एक भी प्लांट अगर आप अलग करके लगा देंगे तो आपका प्लांटर जो है फ्री में रेडी हो जाएगा और बहुत ही जल्दी पूरे पॉट को ये कवर कर लेगा। सेपरेट कीजिए और लगा लीजिए। आप देख सकते हैं ये जो प्लांट है रेडी है, बस इन्हें हमें लगाना है। तो हम इसे एक पॉट में इस तरह से लगा देते हैं फ्रेंड। देखिए हमारे एलोवेरा प्लांट का पॉट जो है वो फ्री में रेडी हो गया, बस हमने इसे सेपरेट किया और इसे एक पॉट दे दिया। तो इस तरह से हमें कटिंग भी नहीं लगानी पड़ी और प्लांट जो है हमारा लग के रेडी हो गया फ्रेंड्स। अब इतने सारे प्लांट जो है मैंने सेपरेट कर करके बना लिए हैं। ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए इतने सारे प्लांट्स रखे हैं। इस तरह से आप ढेरों प्लांटर्स बना सकते हैं फ्री पॉट में, प्लांट को अलग अलग सेपरेट करके एक दिन में चाहे तो एक छोटा सा मिनी गार्डन जो है वो फ्री में रेडी कर सकते हैं फ्रेंड। तो कैसा लगा आपको मेरा यह मिनी गार्डन का आइडिया? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।